महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtatel.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि जैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपका जो सुख है उसमें श्री वृद्धि करना चाहते हैं, आपके आनंद में हम श्री वृद्धि करना चाहते हैं। और इस जन्म में हम आनंद की नींव लगाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में वो आनंद है शाश्वत सुख की प्राप्ति में बदल जाए। इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है संवर और निर्जरा। भाई और बहनों, भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। संवर का अर्थ हुआ कि हमारी जो पापकारी प्रवृत्तियां हैं, जो पाप आने का द्वार है, उस कर्मों के आने के द्वार को रोकना संवर कहलाता है। और वह आता है मिथ्यात्व अविरति और अपने कषाय योग, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, पांच चीजों से हमारी आत्मा के भीतर कर्मों का प्रवेश होता है। उस नाले को हम आश्रव कहते हैं जिसके माध्यम से वो आता है और वो आकर के हमारी जो कॉजल बॉडी है, हमारा कार्मण शरीर, लिंग शरीर है, उसमें आकर के वह जो है कषाय के रूप में एकत्रित हो जाता है और उसका घनत्व बढ़ जाता है। उसको हम जो है वो आश्रव कहते हैं। आश्रव का विरोधी तत्व, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो संवर है। संवर एक साधना है, संवर पुरुषार्थ है, क्योंकि हम आने वाले कर्मों के द्वार को बंद कर देते हैं। जब हमने किसी भी हमारे घर में किसी कमरे को या घर के मेन गेट को बंद कर दिया तो उसमें अब कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए घर में ये दरवाजे और खिड़कियां लगाए जाते हैं कि बाहर से किसी भी हवा का, आंधी का, व्यक्ति का, जानवर का प्रवेश न हो। उसको बंद करना संवर कहलाता है और ये संवर धर्म है। यानी हमारा जो कर्म है वो अधर्म है, क्योंकि कर्म दो तरह के होते हैं, एक तो पुण्य का होता है और पाप का होता है। पुण्य का जो कर्म होता है वह सोने की बेड़ी है, वो व्यक्ति को सुख की अनुभूति कराता है। व्यक्ति का धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा नाम, इसकी श्री वृद्धि करता है। पाप होता है वह दुख का जो है, जब इसका उदय होता है तब वो दुख देता है। दुख के अंदर पैसे की कमी, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कलह टंटा, ये सारी जो है वो दुख देने वाली प्रवृत्तियां रहती है। तो ये कर्मों के आने के द्वार को बंद करना संवर कहलाता है। संवर बहुत बड़ी साधना है और मैं जो है वो बड़ी एक जो है वह सार युक्त बात करूं तो प्राणी मात्र जो जीवित प्राणी होता है उसको सुख दुख की अनुभूति होती है, जो जड़ होता है उसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, उसमें फीलिंग नहीं होती, उसमें प्रजनन नहीं होता, उसमें ग्रोथ नहीं होती। इस तरह से 9 उसकी करेक्टरिस्टिक बताई गई है। लेकिन जो जीवित प्राणी है उसके अंदर ये सारी अवस्थाएं होती है, फीलिंग्स और सुख दुख की अनुभूति होती है। इसलिए किसी को दुख देना जो है, प्राणी मात्र को दुख देना है, ये जो है दुख न दिया जाए तो ये सबसे बड़ा संवर है, सबसे बड़ा धर्म है।
दुनिया का सबसे बड़ा धर्म यह है कि जीवित प्राणी मात्र को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, नौ कोटिक जो है ये प्रवृत्तियाँ होती है, ये हिंसा कहलाती है, न की जाए, किसी प्राणी को दुख न दिया जाए, ये नौकोटिक चीज माध्यम से, तो वह सबसे बड़ा जो है धर्म कहलाता है, और वही सबसे बड़ा संवर है और वही साधना है। और भगवान ने जो है ऐसा जो करता है उसके ज्यों ज्यों संवर की स्थिति बनी रहती है, क्यों ही उसकी कॉजल बॉडी धीरे 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 घटती जाती है। संवर का आविर्भाव, संवर का प्रारुद्ध भाव, संवर को त्याग भी कहते हैं। त्याग का मतलब ये, हम प्राणियों को अभय दान देते हैं और मन वचन काया की प्रवृत्तियों का संयम करते हैं। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम वो हम करते हैं, तो वो भी संवर कहलाता है। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से हम साधु तो बन गए, लेकिन हमारे कर्मों का बंधन न हो, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आप हमारे को शिक्षा फरमावें, आप हमारे को कुछ जो है उपदेश दें। तो भगवान ने ये कहा, जयंग चरे, जयंग चिट्ठे, जयंग मासे, जयंग सये, भोजन तो बासन तो पाव कमंग न बंधई। संवर की बात कही कि तुम चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करने में जयणा करो, सावधानी बरतो, विवेक बरतो। विवेक बरतने का ये है कि तुम चल रहे हो तो तुम्हारा ध्यान जो है लेफ्ट राइट में नहीं होकर के सामने 5-7-10 फुट तक रहना चाहिए, ताकि कोई बेचारा छोटा चींटी जैसा जानवर हो आपके पाँव के नीचे न आए। आप सोने के पहले पूंजो उस स्थान को कि कोई जीव तो नहीं है और आपके सोने से वो मर नहीं जाए। और खाने में, पीने में आप देखिए कि आपके बर्तनों में कोई जानवर तो नहीं वो भोजन में आपके साथ में चला जाए। पीने में देखिए कि जिस बर्तन से पानी दे पी रहे हैं उसमें कोई छोटे मोटे जंतु तो नहीं है जो कि हमारे शरीर में भी चले जावें और हमको भी बीमार पड़ दे और वो भी बेचारे मर जाएं। तो इन सब चीज़ की जायणा करना, विवेक करना, ये भगवान ने कहा संवर है। और तुम संवर की स्थिति में रहोगे तो तुम्हारा साधु जीवन सफल हो जाएगा, और संवर ही तुम्हारी ये साधना है, संवर ही तुम्हारे कर्मों को जो है क्षय करेगा। और इसीलिए भगवान ने दूसरी बात ये और कही, जब जब तुम संवर की स्थिति में रहोगे तो तुम्हारी निर्जरा चालू हो जाएगी। निर्जरा का मतलब होता है कर्मों का कारमण शरीर से अलग होना, क्योंकि हमारी आत्मा और कारमण शरीर जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। कब से जुड़े हुए हैं इसके बारे में भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि प्रभु हमारी जिज्ञासा है कि आप रोज फरमाते हो अपने प्रवचन के अंदर कि कारमण शरीर और कर्म जन्म जन्मांतर से साथ में जुड़े हुए, तो हमारी जिज्ञासा है कि ये कब से आपस के अंदर जुड़े और क्यों जुड़े, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपस में जुड़े। तो भगवान को निश्चित समय ध्यान में नहीं आया केवल ज्ञान के अंदर भी, तो भगवान ने फिर वापस प्रति प्रश्न किया अपने जो है शिष्यों को कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। तो वो शिष्य इसका जवाब नहीं देख पाए, तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप फरमाइए कि पहले कौन हुआ। तो प्रभु ने कहा कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता, अंडे बिना मुर्गी नहीं होती, उसी तरह से कर्म शरीर के बिना आत्मा आबद्ध नहीं होती, और आत्मा न है तो कर्म शरीर नहीं रह सकता, ये आत्मा मोक्ष में चली जाएगी और कर्म शरीर जड़ अवस्था में इस कुदरत के साथ में रहेगा, पंचभूतात्मक रूप में रहेगा। तो इसीलिए इसको पश्चानुपूर्वी समझो कि ये अनादि अनंत काल से आपस में जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये जो मनुष्य जीवन मिलता है ये किस लिए मिलता है,
ये मुख्य बात समझने की है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर चार बातें बड़ी दुर्लभ बताई गई है, यानी जो भाग्यशाली होता है व्यक्ति, जिसको ये चारों ही बातें एक साथ मिल जाती है। सबसे पहला पुण्य क्या है, या सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, कि मानव जीवन का मिलना। मनुष्य जीवन चिंतामणि रत्न है, पारस मणि है, नंदन वन है, और ये काम धेनु है। काम धेनु वह होती है कि जो ही आपने इच्छा की कि मेरे बंगला बन जावे, तो काम धेनु आपका बंगला बना देती है। काम धेनु यह कहे कि मुझे फला पद मिले, तो आप उसको पद पे बिठा देती है। तो ऐसी हमारी जो ये काम धेनु जो है, वह हमारी आत्मा है, ये अच्छे अच्छे फल देने वाली है। तो ऐसा हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, जो कि ऐसा फल पाने वाला है, अति दुर्लभ है। दूसरी बात है, जिन वाणी का, भगवान की वाणी का, ईश्वर प्राणी धान का अवसर मिलना। 7.8 अरब की जनसंख्या है, भारत एक आर्य देश है, आर्य देश वहाँ कहलाता है। गली गली में मंदिर है, क्योंकि हमारे पे प्रारंभ से मोहनजोदड़ो हड़प्पा जब से आर्य भारत में आए हैं, तभी से ही ये धर्म की जो है संतान है, हम आर्यों की संतान, यानी धार्मिक पुरुषों की संतान में हमारे ब्लड के अंदर डीएनए और जो आरएनए है, वो हमारी शेल्स के अंदर, उसके अंदर धर्म के संस्कार भरे पड़े हैं, क्योंकि हमने धर्म के देश में जन्म लिया। और लेकिन दूसरे जो देश है वो अनार्य देश कहलाते हैं, कि वहाँ पर धर्म नाम का इतना गहराई से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भौतिकवादी है, और वो लोग जो है वो केवल इंद्रिय सुख तक ही सीमित है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी तक ही है, वो मन और आत्मा की थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं है। बहुत बड़ी श्रद्धा जो भारतीय लोगों के अंदर पुनर्जन्म, आत्मा, कर्म, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, ये सारी बातें, धार्मिक बातें भारतीयों के जहन के अंदर रहती है, ब्लड में रहती है, क्योंकि हमारा आर्य देश है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे संवर और निर्जरा की। तो भगवान ने दो ही धर्म बताए कि जहाँ जहाँ संवर होगा, वहाँ पे निर्जरा अवश्य होगी, क्योंकि संवर साधना है, निर्जरा उसकी परिणति है। और जो आश्रम है, उसका काम ये है कि हमारी आत्मा के साथ जो कर्मों का बंधन है, जो कार्मण शरीर है, जो कि मूल 8 द्रव्य कर्म और 148 कर्म प्रकृतियों का पुलिंदा है, वेयर हाउस है, जो कि राग द्वेष है, जो कि क्रोध मान माया लोभ है, और जिसको हम कषाय भी बोल सकते हैं, और ये मोह का संसार है। तो इसको जो है वह हमारे केंद्र में रहना चाहिए, हमारा सनातन सत्य के केंद्र में कॉजल बॉडी है, कि ये कॉजल बॉडी किस तरीके से रिड्यूस होती रहे। ये जन्म जन्मांतर से हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो मानव जीवन का जो दूसरा अंग है, कि ईश्वर की वाणी को सुनने का अवसर मिलना, यानी संवर करने की स्थिति पैदा होना। और तीसरा ये है कि ईश्वर की वाणी, जिन वाणी के अंदर फेथ होना, श्रद्धा होना। देखिए, सुनना एक बात है और उस पर श्रद्धा होना दूसरी बात है, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। और वह जो अगर कोई भी श्रद्धा होती है, इसका मतलब है कि वह श्रवण सार्थक हुआ और वह समय सार्थक हुआ। इसीलिए भगवान की वाणी अगर हम सुने और हमारे अच्छा पुण्योदय है, तो हमें अच्छी बात पे श्रद्धा भी होती है। और चौथी बात होती है, हमने ईश्वर की बात को सुना, हमने अच्छे कार्यों को सुना, श्रद्धा की और उसको जीवन में उतारा। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे द्वारा, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो,
मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मैं किसी का अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आए, और मेरा जो ये राग द्वेष है ये घटता रहे घटता रहे घटता रहे, और इसका प्रतिपक्षी संभाव बढ़ता रहे बढ़ता रहे, क्योंकि संभाव ही मुझे मुक्त कराएगा। जब संभाव की स्थिति आ जाती है तो ये कॉजल बॉडी धीरे धीरे घिसने लगती है, ये पवित्र होने लगती है, इसकी सफाई होने लगती है, और होते होते ये जब शून्य की अवस्था में हो जाती है तब हम क्षीण मोहनीय की अवस्था में चले जाते हैं, मोह समाप्त हो जाता है और वह प्राणी वीतराग बन जाता है। वीतराग बनते ही अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के अंदर, 48 या तो मिनिमम समय है उसका, एक समय यानी पलक झपते हैं तो बहुत से समय निकल जाते हैं, अधिकतम समय 48 मिनट अंतर मुहूर्त का, उसमें वह प्राणी, वह जीव, वह आत्मा वो केवल ज्ञानी बन जाती है, यानी भुवन भास्कर का उदय हो गया, और वह जो है धूप जो दोपहर का तपता हुआ सूरज हो गया, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञानी से भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, जीव की, अजीव की कोई भी अवस्था छिपी नहीं रहती, वो साक्षात देखता है, अनुभव करता है, और वह इस औदारिक शरीर के अंदर परमात्मा बन जाता है। जैसे कोई हर केवली वह भगवान बन जाता है औदारिक शरीर में, और 24 तीर्थंकर हमारे ऋषभ से लगा के महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं वो सारे जो है वो केवली बन गए थे, वो अरियंत बन गए थे, और उनके उनका जो आयुष्य कर्मों को शुभ आयुष्य रहता है पीछे, केवली बनने के बाद में उस शुभ आयुष्य को समाप्त करके वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके सिद्ध शिला के अंदर हमेशा हमेशा के लिए विराज जाते हैं। वह सिद्ध शिला जो अवस्था होती है वह शुद्ध आत्मा की अवस्था होती है। शुद्ध आत्मा अशरीरी है, ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला है, देखने वाला है, और वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम होता है। वो ब्लिस की अवस्था होती है, परमानंद की अवस्था होती है, जिसके अंदर जो है अक्षय सुख होता है, दुख रहता ही नहीं है, दुख का एक परमाणु भी नहीं रहता है, दुख की सुप्रीम अवस्था हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये सब संवर की वजह से होता है, और संवर से जो हमको निष्पत्ति होती है वो निर्जरा की होती है। तो भाई और बहनों, भगवान ने ये जो दो धर्म बताए, संवर और निर्जरा, संवर को त्याग भी कहा जाता है। हम मन वचन काया से जितनी जितनी त्याग की प्रवृत्ति करते हैं वो सारा संवर कहलाता है। जैसे कि सामायिक करना, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और भगवान ने संवर के कहिए, निर्जरा के कहिए, तप के कहिए, कुल 12 भेद बताए, और उन 12 भेद में से 6 भेद तो बाह्य बताए और 6 भेद भीतरी आंतरिक बताए, आभ्यंतर जो है भेद बताए, कि व्यक्ति जो इन 12 भेदों में से, 12 तप के भेदों में से और 12 निर्जरा के भेदों में से, वो सारी संवर की स्थिति होती है। कोई भी प्रत्याख्यान करता है तो वह संवर होता है। तो कौन कौन से वो 6 बाह्य भेद है? पहला जो भेद है वह है अनशन। अनशन का अर्थ होता है उपवास करना है, और अधिकतम जो है वो 6 महीने तक की जो है तपस्या होती है, अनशन होता है। उनोदरी का अर्थ होता है कि व्यक्ति की जितनी भूख होती है उससे कम भोजन ग्रहण करना, ताकि कि इस पेट के अंदर गैस के लिए स्थान रह सके, व्यक्ति को अजीर्ण नहीं हो, यह भी धर्म कहलाया है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी,
भिक्षाचरी का अर्थ होता है गोचरी। गो कैसे चरती है कि गो जो जंगल के अंदर अलग अलग बूटों के ऊपर जो घास के ऊपर जाती है उसको जड़ से नहीं उखाड़ती, उसके ऊपर जो छोटी छोटी पत्तियां होती है वो अलग अलग बूटों पे जाकर ये खाती, किसी को जड़ से नहीं उखाड़ती है, ये गोचरी कहलाती है। उसी तरीके से जो साधु होता है वो गोचरी करे, वो मधुकरी करे। मधुकर यानी भंवरा क्या करता है, अलग अलग फूलों के ऊपर बैठ करके और उसके परमाणुओं से रस जो है अपने भीतर लेता है, एक ही फूल का पूरा रस नहीं लेता है। तो उसी से साधु घर घर एक एक जो है वो श्रावक के घर जाके थोड़ा थोड़ा दान ले, थोड़ा थोड़ा भोजन ले, ताकि उसको भी बेचारे को तकलीफ ना हो, क्योंकि उसका भी शरीर है, परिवार है, अगर एक जगह से सारा ले लिया जाए तो वो परिवार वो व्यक्ति भूखा रहेगा, उसको दुख होगा और उस जो है साधु को दुख देना नहीं है किसी को। तो इसी तरीके से ये अनसन उनोदरी भिक्षाचरी और जो ग्रस्त लोग हैं उसका भिक्षाचरी का अर्थ ये है कि उसके सामने अगर 20-25 बड़े आइटम पड़े हैं, कोई फंक्शन है या कोई शादी है, तो उसमें से 2-4-5 जो है से ही वो द्रव्य की सीमा करे कि 5 से अधिक मैं जो है वह द्रव्य नहीं लूँगा, वो त्याग करता है। तो ये हर त्याग संवर कहलाता है, हर त्याग की बात को संवर कहा जाता है और संवर धर्म है, संवर एक साधना है। तो इस तरीके से ये हमारा अनसन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग। 6 तरह के रस होते हैं, रस कौन सा होता है, दूध दही घी तेल और कढ़ाई विगे यानी मिठाई और मधु, इन 6 रस ही हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं, हमारे शरीर के में मादकता पैदा करते हैं। तो वो मादकता पैदा ना हो शरीर के अंदर तो उसके लिए हम में से एक द्रव्य को छोड़ें, 2 का त्याग करें, 3 का करें। और आयंबिल करते हैं लोग, एक ही तरह का भोजन करते हैं, एक ही आइटम लेते हैं। तो ये जो है हमारा रस परित्याग और काय क्लेश, काय क्लेश का अर्थ होता है कि हमारा जो शरीर है ये अकड़ना नहीं चाहिए। जो अकड़ा हुआ शरीर होता है जिससे मसल्स अकड़ जाते हैं, तो अकड़ने पर हमारे भीतर जो है वह नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्रोध अहंकार माया लोभ, जिस शरीर में अकड़न होती है उसमें राग द्वेष पैदा होते हैं, और जिस शरीर के मसल्स मजबूत होते हैं तो वह उठने में, बैठने में, झुकने में, काम करने में, सब में उसमें डक्टिलिटी होती है, उसमें मुलायमपन होता है, तो उसको क्रोध नहीं आता, अहंकार नहीं आता, माया नहीं आती, लोभ नहीं आती। तो इसीलिए उसके लिए उसको जो कायोत, उसके लिए काय क्लेश का मतलब आसन करो, प्राणायाम करो, ये अलग विधा है, योग करो, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो अनसन उनोदरी भिक्षाचरी काय क्लेश और प्रतिसलीनता, हमारी जो ये 5 इंद्रियाँ हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, 5 इंद्रियाँ जो बाहर से जाकर के और जो बाहर के विषय लाती है उनको कैंचुए की तरह, कैंचुआ क्या करता है कि उसके जितने पांव होते हैं वह चलता है जो बाहर निकालते हैं, और जब उसको आहट होती है कि कोई शिकारी आ रहा है और उसके ऊपर का जो कवर होता है, शील्ड होती है, वो एक चट्टान की भांति होता है, तो वह अपने पैरों को, मुंह को जो है वो भीतर डाल देता है और देखता है कोई कि ये पत्थर का टुकड़ा पड़ा है और वह सुरक्षित रह जाता है। तो हम कैंचुए की तरह अपने इंद्रियों को जो है भीतर की ओर खींचें, प्रतिसलीनता करें, बाहर जो अलग अलग सुखों के अंदर भाग रही इंद्रियां उसको भीतर की ओर खींचना, संयम की ओर खींचना, त्याग की ओर खींचना, ये जो है हमारा सारा जो है वो प्रतिसलीनता कहलाती है। तो ये संवर, ये त्याग, ये पचकान, ये तप और ये निर्जरा के 6 बेतो बाह्य हुए, क्योंकि भगवान तो करुणा के सागर है। उन्होंने 2 तरह के धर्म बताए, आगार धर्म और अणगार धर्म, कि हर व्यक्ति धर्म करे, क्योंकि धर्म जो है वह एक संजीवनी है। तो उन्होंने हर एक का सामर्थ्य एक सा नहीं होता है, तो उन्होंने अणगार धर्म दिया, 5 महाव्रतों का पालन करे,
पांच महाव्रत है हमारे, अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसका पूर्ण रूपेण पालन करें। हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। 3 × 3 वह नौकोटिक त्यागी होता है, वह 100% अहिंसक होता है। वैसा जीवन जीना बहुत कठिन है, साधु बनना कठिन है, तो गृहस्थ में भी उनको छूट दी गई। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और ये देखते रहिए। आप सनातन सत्य की आत्मा हो, हमको फीडबैक मिल रहा है कि आप सनातन सत्य बराबर देख रहे हो, इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। जब श्रोता को वक्ता की बात में इंटरेस्ट आता है तो और वो अच्छी तरह से प्रवचन करता है, तो आपके प्रोत्साहन को देख करके हम और सुंदर एपिसोड्स लाएंगे, सुंदर प्रवचन करके आपको सनातन सत्य, आपको शाश्वत सुख की ओर धीरे धीरे दृष्टि विज्ञान के माध्यम से हम ले जाएंगे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtatel.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।